दिन हो या रात, सबसे पहले आज सुबह टाइम्स आप देख रहे हैं खास रिपोर्टिंग के साथ, तेज रफ्तार में चलती हुई या खास रिपोर्टिंग। एक कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन रात चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से वो कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या से रामेश्वर तक पदयात्रा, वुमेन सिप्रा पाठक की जुबानी से सुनिए। आप देख रहे हैं आज सुबह टाइम्स प्लेटफॉर्म। अयोध्या धाम प्रभु श्री राम जी की नगरी से सिप्रा पाठक राम जानकी पदयात्रा रामेश्वरम धाम तक अपनी पदयात्रा पूरी करने जाने रही है। या खुशी के इस वक्त प्रभु श्री राम जी के भक्त बहुत ही प्रसन्न जाहिर करते हुए देखा गया। वहीं पर या कूड़े भार से आप फुटेज देख रहे हैं। सिप्रा पाठक इस वक्त अयोध्या से कूड़े भार यानी कि 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है और आगे रामेश्वर तक जाने के लिए उनका जो है गांव गांव और जन जन तक मिलने का या आज सभी लोगों का जुहजुम देखा गया। जैसा कि आप जानते हैं, जन जन तक मिलना और आशीर्वाद प्राप्त करना, फूल मालाओं से उनका स्वागत होना, या बहुत बड़ी हम सभी प्रभु श्री राम भक्त बहुत आज प्रसन्नता जाहिर करते हुए बहन प्रिया सिप्रा पाठक जगह जगह गांव गांव जाकर आम जनता से मुलाकात करेंगी। यह पदयात्रा अयोध्या धाम से रामेश्वरम धाम तक। अपना पदयात्रा पूरी करेंगी। आज जो है 29/11/2023 को अयोध्या से चलकर कूड़े भार 40 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करते हुए जन जन से और गांव गांव में सबसे आशीर्वाद लेते हुए छोटे बड़े और सभी अयोध्या धाम से रामेश्वर तक निकल पड़ी हैं और जगह जगह पर सिप्रा पाठक को राम भक्त पुष्प वर्षा और मालाओं के साथ साथ स्वागत करते हुए देखा गया। यह पदयात्रा जानकी माता माँ जानकी के संदेश की अलख जगाते हुए सिप्रा पाठक या वचन लेते हुए प्रभु श्री राम यो अयोध्या नगरी की शक्ति भक्ति भाव को अलख जगाने के लिए कठिन परिश्रम के साथ निकल पड़ी हैं। सिप्रा पाठक अयोध्या से रामेश्वरम धाम तक पदयात्रा अपनी पूरी करेंगी। वुमेन सिप्रा पाठक को की यात्रा शुरुआत अयोध्या धाम जानकी माता वन गमन यात्रा के अंतर्गत अयोध्या धाम से रामेश्वर तक जाने के लिए या सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है। यह पदयात्रा की अलख
जगाएंगी अयोध्या से रामेश्वरम तक। उत्तर प्रदेश से होते हुए कई राज्यों की सफ़र करते हुए जैसे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र होकर तमिलनाडु पद यात्रा अपनी पूरी करते हुए रामेश्वर धाम तक पहुंचेंगी। रास्ते में गांव-गांव शिप्रा पाठक की पद यात्रा स्वागत संस्कार और सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बड़े बुजुर्गों महिलाओं से यह पद यात्रा आप देख रहे हैं। सभी सैकड़ों के संख्या में या फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत सत्कार सम्मान करते हुए शिप्रा पाठक की या आज जय जयकार हो रही है। अयोध्या धाम प्रभु श्री राम जी की नगरी से शिप्रा पाठक राम जानकी पदयात्रा पर रामेश्वर तक अपनी यात्रा सफल बनाने के लिए लगातार जो है चल रही हैं और अयोध्या से चलकर जो है कूड़ेभार 40 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए आज सभी जो है कूड़ेभार वासी बहुत ही प्रसन्न जाहिर करते हुए और शिप्रा पाठक जी से मिलते हुए या सभी को खुशी और सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जो है शक्तिमान की तरह हम सभी लोगों का यह एक बहुत बड़ा जन जन तक जागरूकता और गांव-गांव तक सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज हम सभी लोग या जो है शिप्रा पाठक को श्रेय देते हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या धाम से रामेश्वर तक निकलना हम सभी के लिए बहुत बड़ा खुशी और या प्रसन्नता का भाव है। वहीं पर राम भक्त पुष्पा वर्षा करते हुए माँ बहन बेटियाँ सभी जो है इसमें शामिल होकर स्वागतम करते हुए देखा गया। पदयात्रा माँ जानकी के संदेश की अलख जगाते हुए शिप्रा पाठक प्रभु श्री राम जी की नगरी से अयोध्या धाम की नगरी से भक्त भाव लेकर अलख जगाने के लिए कठिन परिश्रम के साथ जो है या आप सुप्रिया पाठक के आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।